वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल रूपम यूट्यूब ब्लॉग्स। तो अभी मैं सुबह सो के उठा हूँ और सबसे पहला काम मैं अपना ब्लैंकेट को इसके कवर में डालता हूँ। तो पहले ये सब काम कर लेता हूँ, फिर आप लोगों से बात करता हूँ गाइस। तो अभी मैं इसको फोल्ड कर लेता हूँ। ये काम हमने कर लिया, अभी कुछ और काम कर। सो आप लोग जल्दी सुबह उठते हो, फिर करते क्या हो आप लोग? मैं तो सबसे पहले सुबह उठता हूँ, फिर किचन में जाता हूँ, फिर अपना चाय वाय बनाता हूँ। तो और अभी किचन साइड चलते हैं गाइस। ये मेरा हॉल है, और ये रहा छोटा सा बालकनी। और कल हम लोग नहाने गए थे तो खूब सारा कपड़ा धोया हमने, और चावल में सूरी घुस गया है। आप लोग देख सकते हो ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा, वो कीड़ा है कुछ, जिसे धूप में रखा हूँ और कल रहा है ये, क्योंकि वो चावल बहुत महीनों से पैक हुआ था, इस कारण उसमें सूरी आ चुका है। और मैं अभी वो चावल नहीं खा रहा हूँ, मैं नया चावल लाया हूँ और नया चावल ही खा रहा हूँ। तो अभी चाय बनाते हैं। ये ना मेरा किचन गाइस, थोड़ा साफ नहीं दिख रहा हुआ, तो अभी पानी पी लेते हैं गाइस। सुबह सुबह थोड़ा पानी भी पीना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। चलिए जाना करते हैं गाइस। मैं इतना ज्यादा दूध का तो चाय पीने वाला हूँ नहीं, तो आधा दूध में दूसरे में रखूंगा। अभी हमारा दूध गर्म हो चुका है, तो थोड़ा सा इसे इसमें डाल देते हैं दूसरों में। कम हो जाए थोड़ा सा इसमें आ जाओ। ओके फाइन। अभी अदर मदर कूट लेते हैं गाइस। चाय बनाने के लिए पहला प्रोसेस आपका चाय पत्ती होना चाहिए और आपके साथ शक्कर होना चाहिए। तो काम डन है आपका। तो ये हमारा हो चुका है, ये कुटा चुका है, तो इसे हम अभी चाय में डालेंगे। सबसे पहले अदरक डाल रहा हूँ गाइस। शक्कर आप अपने हिसाब से डाल दीजिए, आप जितने पीते हैं। और ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि अभी चाय उबाल मार रहा है। हमारा चाय बन चुका है, तो अभी मैं इसको छान रहा हूँ। चीयर्स। चाय बन चुका है गाइस, और चाय की चुस्की लेते हैं। मजा आ गया गाइस, तो थोड़ा चाय पी लेते हैं। अब सभी का ये सवाल रहता है कि मैं अपने वीडियोस बनाने के लिए कौन सा गैजेट यूज़ करता हूँ, कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करता हूँ। तो आज मैं इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ, तो गैजेट के साथ मिलते हैं और बने रहिए इस वीडियो में।
अभी आप लोगों को जो मैं डब्बा दिखाया था वो डब्बा मैं अपना इक्विपमेंट से रखता हूँ और एक एक करके आप लोगों को वो इक्विपमेंट दिखाते हैं। फ़ोन जो मैं यूज़ करता हूँ वो मेरे पास है 1+70। तो ये फ़ोन भी काफ़ी अच्छा है अपने में और इसका कैमरा क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है। तो मेरा कैमरा जब भी ख़राब रहता है तो मैं इसको स्विच करता हूँ ब्लॉगिंग के लिए, तो इसको भी अपग्रेड करना है कुछ समय बाद। तो अब मेन गियर्स आप लोगों को दिखाते हैं जिसमें अपना ब्लॉग शूट करता हूँ। तो इस कैमरा बैग को खोल के आप लोगों को दिखाते हैं। ये वो बैग है जिसमें अपना मेन कैमरा रखता हूँ। ये रहा बैग इस प्रकार है, तो इसे अनबॉक्सिंग करते हैं। तो पहले निकल के आता है GoPro जो कि मेरे पास हीरो 8 है, आप लोग देख सकते हो, जो कि मैं इसे अपने ब्लॉगिंग करते वक्त, मोटो ब्लॉगिंग करते वक्त यूज़ करता हूँ इसे। फिर देखते हैं और क्या क्या निकल सकता है। तो ये रहा गाइस बोया का माइक, जो भी मैं यूज़ नहीं किया हूँ अभी, तो मैं रोड का माइक यूज़ करता हूँ, जिसे भी साइड में रखते हैं। फिर निकल के आता है कैनन का लेंस हुड। फिर निकल के आता है कैनन का 50mm का लेंस जो कि मैं फ़ोटोग्राफी करते वक्त यूज़ करता हूँ, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी वक्त, और ये लेंस काफ़ी अच्छा बोके इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। फिर उसके बाद निकल के आता है कैनन का जूम लेंस जो कि है 55mm to 250mm लेंस जो कि मैं फ़ोटोग्राफी करते वक्त ही यूज़ करता हूँ ये सब लेंसेस। आता है आपका 18-55mm लेंस जो कि मैं बहुत रेयरली यूज़ करता हूँ इस लेंस को। फिर अपना कैमरा पार्ट तो ओवर हो चुका है, तो जो एडिशनल कैमरा मैं यूज़ करता हूँ साथ में वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो एडिशनल कैमरा ये है Insta360 ONE RS ट्विन एडिशन जो कि 360 फोटेज कैप्चर करने के लिए मैं इसे यूज़ करता हूँ। और आप लोग प्रीवियस ब्लॉग में देख सकते थे कि मैं इस कैमरा का यूज़ किया हूँ थोड़ा सा, पर उतना अच्छे से यूज़ नहीं कर पाया था। तो अब अगले या नेक्स्ट ट्रिप पे कभी अच्छे से इस कैमरा को यूज़ करेंगे। और ये कैमरा इस प्रकार रहता है, तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है उसका एक्शन कैमरा और ये रहा है इस प्लास्टिक के अंदर वो Insta360। ये उसका बैटरी है, मतलब इसे कंबाइन करते हैं, कंबाइन हो जाता है। और ये उसका एसेसरीज, तो इसे भी रखते हैं साइड में, फिर आप लोगों को इक्विपमेंट्स दिखाते हैं। जो लैपटॉप मैं यूज़ करता हूँ एडिटिंग के लिए वो है मैकबुक प्रो 13 इंच विथ M1 चिप जो कि मैं जब M1 लॉन्च हुआ था तब मैं लिया था। ये आप देख सकते हो मेरा लैपटॉप, इसे मैं बस एडिटिंग करते वक्त यूज़ करता हूँ और ये मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा लैपटॉप है। अब आप लोगों को इक्विपमेंट दिखाते हैं क्लिक करके। ये रहा पहला इक्विपमेंट जो मैं बाइक पे माउंट करता हूँ। आप लोग इसे एंगल में चेंज करता हूँ अपने वीडियोस में। और ये भी रहा एक माउंट जो मैं अपने, तो ये मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाता हूँ। कैमरा दिखाने का टाइम जो कि मैं मेरा मेन इक्विपमेंट है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मेरे फ़ोन से। तो अभी मैं ब्लॉग रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसे, तो ये चेक करिए गाइस। तो ये है कैनन 200D, इसमें मैं यूज़ करता हूँ 10-18mm लेंस और ये है रोड का माइक, आप लोग देख सकते हो। और इसके साथ मैं यूज़ करता हूँ जॉल्बी का ट्राइपॉड जो कि है 3K और मेरे को ठीक ठाक पड़ा था। तो अभी इस ब्लॉग को तो मैं डालने वाला हूँ, तो ये अभी रिकॉर्ड हो रहा है लाइव, देख सकते हो। ये रहा टेलीसन का ट्राइपॉड जो कि फ़ोन माउंट है, मैं अपने GoPro में यूज़ करता हूँ। और ये रहा Insta360 स्टिक जो है इनविजिबल स्टिक। और मेरे पास ये रहा GoPro का चेस्ट माउंट जो कि ओरिजिनल है GoPro से ही। और ये मेरे पास है GoPro का हेड माउंट। और यही सब है, बाकी इक्विपमेंट मैं सोचता हूँ दिखाने लायक उतना है नहीं। ये सब अगर आप लोगों को ये ठीक लगा हुआ तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और
इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों को एक सब कहना चाहता हूँ कि कैमरा केस, महंगा कैमरा केस, इक्विपमेंट, ये सब मैटर नहीं करता गाइज। उतना मैटर ये करता है कि आप कितने क्रिएटिविटी हो, आपका पर्सपेक्टिव क्या है, क्रिएटिविटी क्या है, आपका इनोवेशन क्या है, आप क्या क्रिएट कर पाते हैं, वो इंटरेक्ट करता है आपको ऑडियंस के साथ, ना कि आपका कैमरा केस इंटरेक्ट करता है ऑडियंस को। आपका बोलने का स्टाइल, आपका बात करने का स्टाइल, आपका दिखाने का स्टाइल, ये सब ऑडियंस पसंद करता है। और कैमरा महंगा केस क्वालिटी देता है ऐसा नहीं है, बट वो भी अच्छा है अपने में। पर अभी स्टार्टिंग में आप ज़्यादा महंगा इन्वेस्टमेंट करोगे, फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो वो भी सही बात नहीं है। तो आप जो भी आपके पास, आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हो। और एक अच्छे स्टार्ट करने के लिए एक अच्छा माइंडसेट रहना चाहिए आपका, और आपका पैशन भी होना चाहिए कि करना है मेरे को ब्लॉगिंग, तो तभी हो पाएगा ये सब। नहीं तो आप एक बार करोगे फिर अगले बार मेरी तरह ही नहीं करोगे शूट, मतलब करोगे लगेगा पर करते तो है नहीं। तो आज का वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। और फिर मिलते हैं किसी बढ़िया से वीडियो में। टिल देन पीस, राइड हार्ड, राइड सेफ गाइस, टाटा बाय बाय। इतना गैजेट दिखाया, वो सबको अभी अंदर भी करना है, और मेरे को भी नाश्ता भी करना है, नाश्ता बनाना है। चाय तो हो गया है पर अभी नाश्ता बनाऊँगा, अभी अकेले भी हूँ तो मेरे को ही करना पड़ेगा। बाहर खाने को उतना मन नहीं करता है, और अभी नाश्ता कर लेता हूँ, फिर ब्लॉग एडिट करता हूँ, फिर इसे पब्लिश करता हूँ। खाली आपको मैं मोचो ब्लॉगिंग नहीं दिखा पाऊँगा, मैं आप लोगों को डेली ब्लॉग दिखाने की भी कोशिश करूँगा, क्योंकि मोचो ब्लॉग करने के लिए राइड भी होना चाहिए, ट्रिप भी होना चाहिए, काफ़ी एक्सपेंसेस भी लगता है उसके लिए। तो अब तुरंत तुरंत तो नहीं जा सकते, अभी गर्मी का टाइम भी हो गया, तो गेस पहन के जाना थोड़ा सही नहीं रहेगा, लोगों को मार सकते हैं। तो अपना सेहत को भी ध्यान देना है। वो डेली ब्लॉग देखना चाहते हो तो कमेंट करिएगा, तो देखना चाहते हो बोले तो मैं बनाऊंगा डेली ब्लॉग। चक्कर में चाय भी पिया नहीं, देखिए।